Again, I am going to start the topics from civics. First of all, I want to share one cartoon that is given in the book, Lesson Power Sharing, page number 6. You can see this cartoon, or isme inhone bataya hua, the cartoon refers to the problems of running the Germany's grand coalition government. ये जो कार्टून है जर्मनी में कोलिजन गवर्नमेंट बनते वक्त अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो डिस्क्राइब कर रहा है. आपको कार्टून देख के पूछा जा सकता है कि ये क्या डिपेक्ट कर रहा है. प्रॉब्लम्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट. अब क्या प्रॉब्लम आई कोलिजन गवर्नमेंट में, इसमें देयर वर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री. जर्मनी में टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके नाम क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड दोनों में राइवलरी थी. आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 2005. देयर वॉज राइवलरी बिटवीन दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जर्मनी. राइवलरी पता ना, एनमिटी. So there was enmity between these two political parties. कौन सी political parties हैं? Christian Democratic Union and Social Democratic Party. There was rivalry, but they had to form coalition government. Rivalry हो के भी इन्होंने coalition government बनाई. You know what is coalition government? You have done so many times. When after election, one political party that is the winner cannot show majority. It has to join hands with other political parties to show majority and to form government. That is called coalition government. For example, India में 543 seats हैं. तो more than half seats winner party को, जिसको majority show करनी है, needs more than half seats. For example, party को मिले 200 seats. ऐसे सोचो. Imagine 200 seats मिल गई party को, तो वो majority नहीं show कर पाई. Then, but वो विनर है क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उसी को पड़े, सीट उसी को मिली है. Then party has to join hands with other political parties to show majority and to form government. तो उसको दूसरी पार्टी के साथ हैंड ज्वाइन करके मेजोरिटी शो करके फिर वो गवर्नमेंट बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार मैंने बताया, कांग्रेस जब थी रूल में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अंडर दोनों बार, दोनों टेन्योर में कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है. बट एट प्रेजेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देयर इज नो कोलिजन गवर्नमेंट, क्योंकि वो खुद मेजोरिटी उन्होंने अपनी अपने आप शो की, तो इनको हैंड ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो जर्मनी में देयर वॉज राइवलरी, राइवलरी होके भी इन्होंने हैंड ज्वाइन किया. इंडिया में तो पार्टीज राइवलरी नहीं होती उनकी, वो तो ओपोजिशन में चली जाती है इंडिया में. बट वहां पे राइवलरी होके भी उनको हैंड ज्वाइन करना पड़ा, बिकॉज उनके पास कोई अदर वे था ही नहीं. द टू पार्टीज, देयर वॉज राइवलरी, दे हैड टू फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट बिकॉज और कोई उनके पास, देयर वॉज नो वे. एंड इन दिस वे 2005 में दोनों ने ही, दे टेक डाइवर्जेंट पोजिशन ऑन सेवरल पॉलिसी मैटर्स बट स्टिल ज्वाइंटली रन द गवर्नमेंट. Though there were so many differences between these two political parties in their policies, there were so many differences, but they run the government jointly. There was rivalry, but they formed coalition government. 2005 की बात है. Two parties आपको पूछा जा सकता है ये क्या depict कर रहा है cartoon. ये पूछा जा सकता है कि ये वाला cartoon क्या depict कर रहा है. ये running the problems of running the Germany's grand coalition government. तो टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जर्मनी ये पूछा जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट कौन से ईयर में वहां पे कोलिजन गवर्नमेंट बनी तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है. तो टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. लर्न द नेम ऑफ दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जर्मनी, ठीक है. जो भी कार्टून है यू हैव टू रीड दम. नेक्स्ट, we have done this chapter thoroughly. On next page, one cartoon is given. ये भी मैंने कल करवा दिया हुआ है. Now come to federalism.
Federalism means two or more levels of government. Is India a federal country? Yes. So, agar aapko pucha jaye, which are the two roots of federation? How many roots are there in federation? Two. Two roots coming together, holding together. Which root do we have in India? Holding together. Holding together we have in India. Holding together के लिए आपको एक word learn करना है. अगर आपको हाँ SBI word learn कर लो, very good. अगर ऐसे learn किया हुआ then it's very good. SBI bank है ना, State Bank of India. तो उसी को दिमाग में रखना है जब आपने holding together करना है. उससे अपने आप ये countries बन जानी है holding together की. देख लो, Spain, Belgium, India. स्पेन बेल्जियम, जैसे मैंने वो कंट्रीज लर्न करवाई थी, ए बी आर पी, ये कौन सी कंट्रीज हैं दैट डिफीटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया. तो SBI से आपका बन जाएगा स्पेन, बेल्जियम, इंडिया. इंडिया में आपको पता ही है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. नेक्स्ट USA, ये कमिंग टुगेदर. अब इसी से आपकी कंट्रीज बन जानी है. USA वर्ड लिखना अपने आप बन जानी है. USA तो है ही है. स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. तो अगर आपको ऐसे देखे पूछा जा सकता है कि इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इज इट ट्रू? तो आपको बताना है ऐसे, आपको ये आएंगे तभी आप बताओगे. तो इन इंडिया वी हैव कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इज इट ट्रू? नो. तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सबसे पहले तो फेडरलिज्म टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री इन 1993. इन विच ईयर बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री? आपको पता ना, बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फोर टाइम्स, 1972, 1993. तो हम उसमें पढ़ते नहीं है. इक्वल रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन टू द डच एंड सेकेंड कौन थे, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन इन स्टेट गवर्नमेंट. आप कहते तो हो इट मीन्स पावर्स ऑफ सेंटर है ना, बट डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. उन्होंने अपनी पावर्स भी डिवाइड की थी. तो बेल्जियम किस ईयर में बना फेडरल कंट्री? 1993. अर्लियर इट वॉज, आपको कहोगे पहले वहां पे कैसी गवर्नमेंट थी? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बेल्जियम पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, बाद में बन गया फेडरल कंट्री. पहले यूनिटरी, अर्लियर यूनिटरी था बेल्जियम. इन 1993 इट बिकेम फेडरल, बट श्रीलंका जो है इट इज अ यूनिटरी. इन श्रीलंका देयर इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. श्रीलंका, यूके, फ्रांस, यहाँ पे यूनिटरी है, सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, बेल्जियम टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हम कहते नहीं है थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप इन बेल्जियम, कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज. तो बेल्जियम कैसी कंट्री है? फेडरल कंट्री. हम यहाँ पे खुद ही तो कह रहे हैं स्पेन, बेल्जियम, इंडिया. तो बेल्जियम इज द फेडरल कंट्री. इन विच ईयर बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री? 1993, क्योंकि ईयर दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, श्रीलंका इज द, श्रीलंका में यूनिटरी है, फेडरल है, यूनिटरी. तो यूनिटरी में सिंगल लेवल और टू लेवल्स, सिंगल सिंगल, देयर इज ड्यूअल सिटीजनशिप. फेडरल और यूनिटरी? फेडरल. सिंगल सिटीजनशिप, यूनिटरी. तो इस वजह से आपको कोई भी किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल, बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन यू हैव डन. तो उन्हीं में से उन्होंने लाइनें फ्रेम करके MCQ बना देने. नेक्स्ट इज, इसके बाद आपको आना चाहिए कि इन फेडरल कंट्रीज आप बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है फेडरल कंट्रीज में? पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल. कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन नॉट बी मेड बाय सिंगल लेवल, इट नीड्स अप्रूवल ऑफ बोथ द लेवल्स. वी इन इंडिया वी फॉलो लिस्ट सिस्टम. तो लिस्ट सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है. कोई भी एक आपको सब्जेक्ट देके पूछा जा सकता है कि ये सब्जेक्ट किस में आता है. फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट देके, जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट देके, जैसे करेंसी दे रहे, करेंसी देके पूछा जा सकता है. कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. देन यू हैव टू राइट
जो बुक में सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना उन्हीं में से आएंगे, एक्स्ट्रा नहीं वो देते होते। 20 सब्जेक्ट्स आप ये ना कंफ्यूज हो जाना कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हाउ टू लर्न, ओनली दोज विच आर गिवन इन बुक यू हैव टू लर्न। सीबीएसई की बुक में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यू हैव टू लर्न, उन्होंने उसी में से देना। तो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने यूनियन लिस्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट, 97 सब्जेक्ट्स, पहले तो यही पता होना चाहिए। स्टेट लिस्ट 66, कॉन्करेंट लिस्ट 47, हु एंजॉयज रेजिडेंसी पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। रेजिडेंसी पावर्स कौन एंजॉय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट सिस्टम एडेड इन रेजिडेंसी पावर्स, रेजिडेंसी पावर्स एंजॉय कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन लॉ बनाता है आपको अगर पूछा जाए यूनियन लिस्ट पे? सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, बट इफ एमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन एनी स्टेट देन, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट तो डिसॉल्व हो जाएगी, फिर हू मेक्स लॉ? देन सेंट्रल। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, कल को पंजाब में ही इमरजेंसी लग जाए, पंजाब में ही वायलेंस हो जाए, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, प्रेजिडेंट रूल आ जाए, तो फिर पंजाब की गवर्नमेंट तो डिसॉल्व होगी। हू मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट? देन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर इस फॉर्म में भी घुमा के पूछे तो ध्यान रखना, फिर ये मत कहना कि फिर भी स्टेट ही बनाती है, स्टेट तो होती नहीं है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो डिसॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी। तो हू मेक्स लॉ? अगर तो सिंपल क्वेश्चन आता है ऑन स्टेट लिस्ट तो स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, बट हूज लॉज प्रिवेल, कौन पावरफुल है ज्यादा दोनों में से? सेंट्रल। इफ क्लैशेज अक्कर, क्योंकि दोनों ने मिलकर लॉ बनाने हैं, अगर बनाते वक्त कोई क्लैशेज हो जाए दोनों में, तो लॉ मेड बाय सेंट्रल प्रिवेल्स। कॉन्करेंट लिस्ट में हम कहेंगे बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ, बट बाय मेकिंग लॉ इफ क्लैशेज अक्कर देन लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स। इट मीन्स इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, नो डाउट पावर्स आर शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट and with local government, but central government is more powerful in India because central government is making laws on 97 subjects and it also enjoys residuary powers. So it means center is more powerful in India. फिर भी हम इसे इंडिया को फेडरल कंट्री कहते हैं because in there are two roots of federation. अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कुछ features किसके साथ match कर रहे हैं? Unity के साथ। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडिया, हमारी गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स यूनिटी के साथ मैच करते हैं, क्योंकि यूनिटी में हम कहते हैं सेंटर इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल में हम कहते हैं नहीं, सेंटर ज्यादा पावरफुल नहीं होता, स्टेट्स आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, बट इंडिया में तो ऐसे है ही नहीं। तो इंडिया कहीं ना कहीं आप कह सकते हो क्वासी फेडरल एंड यूनिटरी, थोड़ा सा यूनिटरी भी है थोड़ा सा फेडरल भी है, बट आपकी क्योंकि सीबीएसई की बुक में उन्होंने बार बार फेडरल पे स्ट्रेस दिया तो यू हैव टू राइट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, क्योंकि वो साथ में ये भी बात क्लियर कर रहे हैं फेडरल वी हैव देयर आर टू रूट्स ऑफ फेडरेशन एंड इन इंडिया वी आर फॉलोइंग विच रूट? होल्डिंग टुगेदर। क्या होल्डिंग, कौन सी ऐसी रूट है इन विच पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड? होल्डिंग टुगेदर में पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सा रूट है जिसमें आप कह सकते हो सेंटर इज नॉट मोर पावरफुल? इसमें तू दोनों रूट्स में से बताओ, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग कमिंग, इसमें स्टेट्स आर नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कमिंग। अपने आप समझ आएगी, इंडिया का तो आपको सबको पता है इंडिया में तो स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी अपनी स्टेट गवर्नमेंट ले लो दैट इज आंसरेबल टू ऑन द होल सेंटर, सेंटर ऑन द होल सारी स्टेट्स, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ऑल आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के अंडर ही वर्क करती हैं, लिमिटेशंस में रहती हैं, तो ये नहीं है कि वो कल को इंडिपेंडेंट, ऐसे इंडिया में हो गया तो कल को स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाएगी, वो डिवीजन हो जाएगी, फिर नया एक और छोटी सी कंट्री डेवलप हो जाएगी बीच में से। तो इस वजह से हमारे फ्रेमर्स ने बहुत सोच समझ के ये सारा सिस्टम सेटअप किया, उन्होंने सेंटर की पावर्स डिवाइड भी की ऑन द होल, फिर सेंटर को ही पावरफुल कर दिया ऑन द होल एंड में ज्यादा पावर्स फिर किसको दे दी? सेंटर, ताकि किसी भी स्टेट में रिवोल्ट ना हो, वो सेंटर के अंडर रह के वर्क करें। तो इन इंडिया वही फॉलो लिस्ट सिस्टम। अब लिस्ट सिस्टम में आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट,
अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेंशनड है बुक में, नो लिसन, फर्स्ट इज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। एक सब्जेक्ट बीच में से कोई भी देख के, जैसे डिफेंस दे के पूछ लेना कम्स अंडर विच लिस्ट, तो साथ में ऑप्शंस होनी है। यही क्वेश्चन कितनी बार बन बन के आ चुके हैं पेपर में, एक सब्जेक्ट और उन्होंने देना इसी में से यह सब्जेक्ट जो बुक में दिए हुए हैं। इट मीन्स यू हैव टू लर्न दीज सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट स्टेट लिस्ट, स्टेट में उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना चाहिए 66 सब्जेक्ट्स। अब इसमें उन्होंने बताया हुआ पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, पुलिस कम्स अंडर विच लिस्ट? स्टेट लिस्ट। तो इस वे से लर्न करो। नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट, 47 सब्जेक्ट्स। बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज, बट इफ क्लैशेस अकर, लॉ मेड बाय सेंट्रल प्रिवेल्स। अब यहाँ पे कौन कौन से उन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, लिसन केयरफुली, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। लर्न इट, ट्रेड यूनियंस, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। तो ये वाले सारे सब्जेक्ट्स किसमें आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। तो पूछा जा सकता है ट्रेड यूनियंस कम्स अंडर विच लिस्ट, मैरिज या फिर आपको अडॉप्शन कम्स अंडर विच लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस वे से इनको लर्न करो। रेजिडरी पावर्स आर एंजॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट आर रेजिडरी पावर्स? सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट सिस्टम एडेड इन रेजिडरी पावर्स। तो ये तो हो गया आपका, इस वे से लर्न करना है। अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे मैंने बोला, इंडिया नहीं मैंने बोला कमिंग टूगेदर, होल्डिंग टूगेदर में पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इधर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की एग्जाम्पल दी हुई है, बट अब वो नहीं है ना। नेक्स्ट पोखरण की यहाँ पे बताई हुई है, उसको बाद में पढ़ते हैं। इसके बाद आपको करना होगा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 1947 में लिंग्विस्टिक स्टेट सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज बोलने वाले एक स्टेट में रह जाएं। आफ्टर 1947 ओल्ड स्टेट्स वर वैनिश, न्यू स्टेट्स वर सेटअप। ऐसा क्यों किया गया? सो दैट पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज शुड लिव इन सेम स्टेट्स एंड देयर शुड बी नो क्लैशेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब मुझे एक मिनट एक बात बताओ, श्रीलंका यूनिटरी, मैंने कहा श्रीलंका में यूनिटरी है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे तमिल्स भी थे, सिन्हालास चाहते थे यूनिटरी रखना, तमिल्स क्या चाहते होंगे श्रीलंका में यूनिटरी के? फेडरल, फेडरल भाई चांस ये भी पूछ लिया कि श्रीलंका तमिल्स वर इन द फेवर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? फेडरल, क्योंकि तमिल्स नहीं चाहते थे वहां पे यूनिटरी आए, वो तो चाहते थे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप हुए, हमें भी पावर्स मिले। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को आपको टू स्टेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, टू स्टेट्स विच आर नॉट लैंग्वेज बेस्ड, कल्चर बेस्ड स्टेट्स बताओ, झारखंड एंड बताओ, टू स्टेट्स विच आर कल्चर बेस्ड, थ्री स्टेट्स हैं झारखंड, उत्तराखंड एंड, झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड, दीज आर कल्चर बेस्ड स्टेट्स। जैसे मैं आपको क्वेश्चन इसमें से बनाकर बताती हूँ, आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चर बेस्ड स्टेट? मैं बोलती हूँ पंजाब, असम, उत्तराखंड, तो आपको अपने आप ऐसे आती होंगी तीनों स्टेट, सभी आप बता पाओगे, नहीं तो बच्चा पंजाब को भी कर रहा है। फिर पंजाब इज अ लिंग्विस्टिक स्टेट और नॉट? नहीं है लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट। मैं पूछूं आउट ऑफ दीज विच इज अ लिंग्विस्टिक स्टेट? झारखंड, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इस वे से इसको लर्न करो। नेक्स्ट लैंग्वेज पॉलिसी, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? 22। अगर मैं पूछूं एक्सेप्ट हिंदी, फिर 21। अगर मैं ऐसे पूछूं तो फिर आपको बताना है कि कहां पे वायलेंस हुई व्हेन हिंदी वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज? तमिलनाडु। कौन से ईयर में हुई?
1965 में देयर वाज वायलेंस इन तमिलनाडु. व्हाट वाज द डिमांड ऑफ तमिलनाडु पीपल, डिमांड ऑफ द तमिल्स दैट विद हिंदी इंग्लिश शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज. तो अवर फ्रेमर्स एग्रीड और नॉट, डिड अवर फ्रेमर्स एग्री और नॉट, agreed. Q, because they didn't want civil war in India that had happened in Sri Lanka. वो नहीं चाहते थे इंडिया में भी कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए जैसी कि श्रीलंका में हुई थी. They didn't want, that's why they agreed. उन्होंने हिंदी के साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया. नो द वर्क ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो आपको तमिलनाडु का पूछा जा सकता है किस ईयर में वायलेंस हुई, 1965. How many languages are recognized by the constitution? 22. Except Hindi hai to 21. So, kyu problem hui? Because pehle unhone Hindi ko banaya, there was violence hui Tamil Nadu mein, then our framers, they agreed with Tamil and with Hindi, English was also made an official language. You know, the work of the country is done in both Hindi and English. So, kya humari government ne aur kya kiya? States have given permission to do their work in their own state language. For example, हम पंजाब में रहते हैं तो work of our state government is done in Punjabi and English. उन्होंने कहा state governments अपनी state language with English को follow करेंगे. तो state government जो है, जैसे हम अगर तमिलनाडु जाएं तो वो अपनी language में तमिल एंड इंग्लिश में अपना state work करेंगे. तो पंजाब की government पंजाबी एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश को उन्होंने साथ में रखा. But states have given freedom to promote their state language. तभी पंजाब के स्कूल्स में पंजाबी कंपलसरी, बिकॉज स्टेट ने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया हुआ है. तो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है आपका सेंटर एंड स्टेट रिलेशन. सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस किसके आने से ये राइवलरी खत्म हुई, कोलिशन गवर्नमेंट किसके आने से, विद द कमिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट. अर्लियर पहले तो हम कहते थे ना देयर वाज डोमिनेशन राइवलरी. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं, पंजाब में एट प्रेजेंट जैसे अभी है, पंजाब में कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही है, कांग्रेस. वेयर एज इन सेंटर देयर इज बीजेपी. तो दोनों की राइवलरी है, एनमिटी है. एक साइड बीजेपी, एक साइड हम. फिर ब्लेम नहीं कई बार हमारी गवर्नमेंट कई बार करती है क्योंकि यहाँ पे राइवलरी है, दैट्स वाई सेंटर इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ पंजाब. पंजाब को जो वो कम फैसिलिटीज देते हैं, पंजाब को कम वो ग्रांट्स देते हैं, बिकॉज यहाँ पे राइवलरी पार्टी है. बट ऐसा नहीं होता, अब नहीं है. 1990 के बाद ये सब सिस्टम चेंज हो चुका है, बिकॉज इन 1990 कोलिशन गवर्नमेंट सेटअप हो चुकी थी. इन विच ईयर कोलिशन गवर्नमेंट वाज सेटअप इन इंडिया, 1990, बिकॉज ईयर इज गिवन तो दे कैन आस्क. 1990 में ये सब चेंज हो गया, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होनी शुरू हो गई. कितनी बार इंडिया में गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट ने बनाई है, तो कोलिशन गवर्नमेंट में हम सोच ही नहीं सकते किसी की किसी के साथ राइवलरी. इतने सारी पार्टीज हैंड ज्वाइन करके बनती हैं, उनके आपस में राइवलरी के ना डोमिनेशन के चांसेस ही नहीं है. तो विद द कमिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस हैव बिकम बेटर. अब अच्छे हो चुके हैं इनके रिलेशंस, पहले जैसे नहीं रहे. तो ये है हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन होता गया. व्हेन सम ऑफ द पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर गिवन टू shared with local government, that is called decentralization. Decentralization में center and state अपनी कुछ powers local के साथ share कर लेते हैं, that is called decentralized. अब इसमें ना ये जो questions बहुत कम आते थे, for example ग्राम सभा, ग्राम सभा के बारे में पूछा जा सकता है. Who are the members of ग्राम सभा? People who are at the age of 18 or above have right to vote and they are the members of the ग्राम सभा. ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? पीपल हु आर द एवर एट द एज ऑफ 21, हु आर एट द एज ऑफ 25, हु आर एट द एज ऑफ 18 एंड हैव राइट टू वोट. दे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम. इज देयर एनी टेन्योर फॉर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा? 5 इयर्स फुल लाइफ टेन्योर. बताओ कितना? ग्राम सभा का वेरी गुड, टिल डेथ वो मेंबर रहते हैं, क्योंकि यहां पे टेन्योर नहीं है ग्राम सभा में. हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत? कौन इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा के लोग? एंड सरपंच इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंगस द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत.
विलेज पंचायत के जो मेंबर्स उनको क्या कहा जाता है, पंचज, पंचज हु, व्हाट डू वी कॉल द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत, पंचज, हेड इज कॉल्ड सरपंच। तो पहले कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते थे, बिकॉज उन्होंने एमसीक्यू बनाने हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस ही बनाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आपको एट द लोएस्ट लेवल पूछा जा सकता है टू, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल सेल्फ में आप बताओ एट द लोएस्ट लेवल कौन वर्क करता है, विलेज पंचायत लोएस्ट लेवल पे। मिडिल लेवल ब्लॉक समिति, मिडिल लेवल ब्लॉक समिति, कुछ विलेजेस कंबाइन होके ब्लॉक्स बनाते हैं, तो क्या बन जाती है ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति का हेड चेयरपर्सन, मेंबर्स वार्ड मेंबर्स, जैसे अभी मैंने बोला सरपंच एंड पंचेस विलेज पंचायत का, इधर मैं बोल रही हूँ चेयरपर्सन वार्ड मेंबर्स। एट द हाईएस्ट लेवल इन रूरल एरियाज जिला परिषद, अब जिला परिषद जो है उसका हेड कौन होएगा, चेयरपर्सन, मेंबर्स आर कॉल्ड वार्ड मेंबर्स। तो दिस इज अबाउट रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अब मैं पूछूं अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट में एट द लोएस्ट लेवल देयर इज नगर पंचायत, हेड इज कॉल्ड चेयरपर्सन, मेंबर्स आर कॉल्ड वार्ड मेंबर्स। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपैलिटी कहाँ पे पाई जाती है, इन स्मॉल सिटीज, इन स्मॉल सिटीज क्या पाई जाती है, म्यूनिसिपैलिटी। अब म्यूनिसिपैलिटी का हेड कौन होता है, मेंबर्स आर कॉल्ड वार्ड मेंबर्स। एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज फाउंड इन मेट्रोपोलिटन सिटीज, मेट्रोपोलिटन सिटीज में म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पंचायत है, क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हेड इज कॉल्ड मेयर, मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स, हेड इज कॉल्ड मेयर, मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स। तो हु गिव्स ग्रांट्स टू द लोकल गवर्नमेंट, कौन देता है लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट्स, इट परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस, तो पैसा कहाँ से आता है, पॉकेट में से तो ये लोग देते नहीं है, कहाँ से आता है पैसा। ग्रांट्स गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें ग्रांट्स देती है, एंड टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, ये लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, एंड ग्रांट्स दे ऑल्सो गेट ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इन्हें ग्रांट्स भी मिलती हैं, तो ये लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। क्या ये लोग, इन्हें सैलरी मिलती है, सरपंच को सैलरी मिलती है, नो उन्हें सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ पावर मिलती है, पोजीशन मिलती है बस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बताओ इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट हु कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट सेक्रेटरी, ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड उसे सैलरी भी कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट। अर्बन सेल्फ में स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई कौन है, क्योंकि उन्होंने अपना भी एक हेड छोड़ा हुआ है उसमें, हु इज एन एम्प्लॉई ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर, कीप्स एन आई ऑन द फंक्शन ऑफ द अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, प्रिपेयर रिपोर्ट्स, और वो किसका एम्प्लॉई है, डिप्टी कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट का, कौन सैलरी देता है, स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में आप बताओगे किससे, किसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन कितनी परसेंट है, इन डिसेंट्रलाइजेशन में वुमेन के कितना परसेंट सीट्स हैं, 33%, 1/3 सीट्स आर फिक्स फॉर वुमेन। कहाँ पे वुमेन की पार्टिसिपेशन ज्यादा है हमारी कंट्री में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में। सेंटर में तो सिर्फ 10% है, स्टेट में सिर्फ 5% है, देखो कितना गैप है, एंड लोकल में 33%। तो आपको यहाँ से पता नहीं चलता कहाँ पे वुमेन की पार्टिसिपेशन ज्यादा है, लोकल गवर्नमेंट कितनी है, 33%। तो वुमेन की पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट इज मोर, लोकल गवर्नमेंट के आने के बेनिफिट्स हुए, यस इट इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल स्पेशली वुमेन इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ी है इससे। क्लास के 8 मॉनिटर्स बना दो, प्रीफेक्ट्स बना दो, मार्शल्स बना दो, कितने बच्चे तो उसमें ही आ गए, आप कह लो ऑफिस बेयरर्स हो गए, कितने बच्चे तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन गए, जितनी हर क्लास के आप काउंट करो कितने बन गए, तो अपने आप सोचो बच्चों की पार्टिसिपेशन बढ़ी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में,